Yo Singa, Sigdani Bona, Horae, Yo Singa, Sigdani Bona, अपने गुरुदेव सावन कृपाल के चरणों में नमस्कार है, जिन्होंने अपनी दया करके सानू आपदी याद का आपदे जश करन का मौका दिता है। संसार का हर जीव, क्या औरत क्या मर्द, हर एक ही चाहता है कि असी परमात्मा नू मिलिए, परमात्मा नू पाइए। लेकिन पूरा साधन पूरा तरीका मिलता नहीं, अंदर जाण दा रस्ता नहीं मिलता गा। इस वास्ते वो लोग भटक जाते हैं, मन दे विच लहर आई, फकीर हो गए, अपना कमा के खाना छड़ दिता, लोकां दी कमाई ते निर्वाह करन लगे, गृहस्थी जिम्मेवारियां छड़ दित्तियां, होर जाके अस्थाना दी जिम्मेवारियां चुक लईयां। लहर आई, कदे हरिद्वार नू तुर पे, कदे अमृतसर दी दुआली नहाउण तुर पे। सारी जिंदगी अपनी बीवी दी रोटी छड़ दित्ती खाणी, होरां बीवियां दे अगे जाके हाथ अड़दे फिरे। फकीर तां ना होए, फकीर होण दा हंकार जरूर हो गया। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे है कि वह जिहड़ा असली नुकता हुंदा वह लोग खुंझा बहिंदे है, गृहस्थियां नूं जाके धमकाउंदे है कि तुहानूं पता नहीं गा, असीं सन्यासी हाँ, तुसी तुहाडा कम है कि सानू दान देना, क्योंकि असी सन्यासी जो होए। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे सन्यासी वह हुंदा है जिहदियां आसा मनसा सुन हो जाण। आसा मनसा जो है ये सुन पार ब्रह्म दे विच जाके हुंदियां हन। पार ब्रह्म दे विच जाण दा साधन नहीं मिलिया, उत्थे पहुंचे नहीं, उत्थे पहुंच के ही सन्यासी बनता है। सन्यासी तो बने नहीं, उत्थे पहुंचे नहीं, सन्यासी होने का हंकार जरूर हो गया। पूरा गुरु ही, पूरा महात्मा ही सानू अंदर जाण दे विच मदद कर सकता है। पूरा गुरु ही शरीर के नौ द्वारे खाली करा के दसवें द्वार विच पहुंचण का साधन और तरीका मदद कर सकता है। सानू जन्म तो लैके मौत तक गुरुआं दी लोड़ पैंदी है। पहला गुरु साडी माता है जिहड़ी सानू बैठना उठना सिखाउंदी है, फिर पिता है, भैण भरा है जिहड़े सानू तोतली जवान नाल बोलण दी सिक्ष्या दिंदे है। स्कूलां च जाने हैं, कालजां जाने हैं, उत्थे साडा कई उस्तादां दे नाल वाह पैंदा है। हुण रूहानी विद्या दा जदों मौका आउंदा है उस वेले असीं सोचदे हैं सानू किसे गुरु पीर दी लोड़ नहीं गी, हालांकि बगैर उस्ताद तो असी दुनिया का कोई भी इलम कोई भी कसब असी सीख नहीं सकते गे। और रूहानियत के मुतालिक सानू ज्ञान नहीं हुंदा, असी अणजाण हुंदे हैं, हालांकि सब दी ये अम्मा विद्या है। जिन्हां रस्तियां विच दी असी कई दफा नंगे हुंदे हैं, अकले फिर भी भुलण दा उत्थे खतरा रहिंदा है। अगर भेदी उत्थों दे रहन वाला साढ़े साथ होवे, सानू वो हर मोड़ दे उते दसेगा कि भी तू मेरे मगर तुरिया, मैं अगे तेरी गाइड करना है, किन्ना सुखाला हुंदा है। तो इस साधन दे विच रस्ते दे विच संत महात्मा साड़ी सहायता करन वास्ते ही आउंदे हन। संतां दा निजी लाभ साड़ी सहायता करके नहीं हुंदा गा, वो परोपकार वास्ते आउंदे है। सच्चाई तो यह है कि वह सानू नाम दे के और अंदर जाण च मदद करके भी
ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਲਿਬੜਿਆ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛੜ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੈਲਾਂ ਚੜ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੁਰਤੀ ਸਿਮਰਤੀ ਸਾਰੇ ਪਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤਰੀਕਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਾਗ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ 18ਵਾਂ ਸਾਰ ਬਚਨ ਪੰਨਾ 124। ਕੁਮਤੀਆਂ ਬੈਰਨ ਪੀਛੇ ਪੜੀ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਹਟਾਉਂ ਜਾਨ। ਕੁਮਤੀਆਂ ਬੈਰਨ ਪੀਛੇ ਪੜੀ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਹਟਾਉਂ ਜਾਨ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਮਨ ਵੀ ਅੰਦਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਪ ਤਪ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਭਰੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚਬਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਖ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਸਾਥੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕੁਮਤੀਆਂ ਬੈਰਨ ਪੀਛੇ ਪੜੀ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਹਟਾਉਂ ਜਾਨ। ਸਤੇ ਗੁਰ ਬਚਨ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕਬਹੀ ਉਨ ਸੰਗ ਤਰੇ ਗੁਮਾਨ। ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਨ ਆਪਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਫੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦਿੰਦਾ, ਅੜਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸੀਗਾ, ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੋ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲ ਤੋਂ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮਨ ਹਾਥੀ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਗਿਣਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲਾਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੇ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗਿਣਦੇ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਘੰਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਦੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕਲਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਖੁਦ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰਸਤਾ ਤੰਗ ਹੈ, ਚੂਹਾ ਖੱਡ ਨਾ ਮਾਵੀ, ਤਿੱਕਲ ਬੱਧਾ ਛੱਜ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਛੱਜ ਹੋਰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,
यही मन नू नीवा करना है, यही बरीक करना है, और गुरु का प्यार सानू नीवे होण दा विच सहायता करता है। साते गुर बचन नामानी कब ही उन संग तरे गुमान काम क्रोध की सनी बोध से परखा चाहे उनका ज्ञान। उर्दू लैंग्वेज दे विच शेर और सीर एक तरह लिखे जाते हैं। शेर जो है ये हिंसक जानवर है, सीर जो है जिंदगी बख्शन वाला है। तो संतान सानू अपने लेवल ते नहीं परखना चाहिए, क्योंकि साड़ी बुद्धि काम क्रोध लोभ मोह हंकार की लिबड़ी हुई है। असी इस बुद्धि ना किस तरह उन्होंने परख सकते हैं? कबीर साहब कहते हैं, फुटी अख बबेक की लखे ना संत असंत। हंसा की चुंझ दे अंदर परमात्मा ने यह तशीर रखी है। जो पानी विच पाउंदे है दुध अलग हो जाता, पानी अलग हो जाता है। तो बबेक बुद्धि जो है वो सच और झूठ का निर्णय करती है। अगर जे दुनिया काम क्रोध की लिबड़ी हुई बुद्धि दे नाल संतां नूं परख सकती हुंदी, बड़ी बड़ी चोटी दे महात्मा आए, लोगों ने उन्होंने आराम ना बैठन नहीं दिता गा, किसी उसूली ते चाड़ दिता, किसी महात्मा नूं कराइया क्या, किसी ज्यौंदे दी खल ला दिती, और के बड़े बड़े कष्ट दिते गए उन्होंने। गुरु गोबिंद सिंह की हिस्ट्री विच आउंदा है कि वह किसी नाल लड़न वास्ते नहीं गए सी, लेकिन हुकूमत ने उन्हां दा घर घाट लुटिया, उजाड़ दिते, बच्चे उन्हां दे चार सन, दो शहीद कर दिते, दो पंदी दीवार दे विच चिण दिते, माता नूं बुरज तों सिट के शहीद कर दिता, और खुद गुरु गोबिंद सिंह 3 महीने उजाड़ दे विच फिरदे रहे, आपदे कपड़े तक नहीं बदले सीगे। तुसीं सोच के देख लो, एक दिन कपड़ा बंदा ना बदले जुआ पैण दा डर रहिंदा है। तो 3 महीने फिरदा रहा, उस मालक दे प्यारे दा की कसूर सी बई? सिर्फ वह सानू कढ़न वास्ते आउंदे है, लोगों नाम दे नाल जोड़दा सीगा। हालांकि उन्होंने खुद अपनी हिस्ट्री लिखिया कि मेरा किसे ना मैं वैर नहीं कीता, मेरा किसे ना वैर नहीं सीगा, मेरा हर नाल प्यार सीगा। वह कहिंदे हुंदे सीगे कि मैं तुहानू सच्ची गल दसदा, जिन्हां ने प्यार कीता परमात्मा उन्होंने ही पाया है। पंजाब दे विच पिंड बाचक है जिथे मैनू जाण दा मौका मिलिया सी अज तो 30 साल पहला। उत्थे गुरद्वारा पिंड तो बाहर बाहर बनिया है, गुरद्वारे दा भाई मैनू पिंड विच मिलन वास्ते आया। मैं उसनू पुछया भी गुरद्वारा इन्नी दूर पिंड तो क्यों बनाया है? वो कहन लग्या जी, इस पिंड दे लोकां ने गुरु गोबिंद सिंह नू पिंड च नहीं वड़न दिता सीगा, तो इस वास्ते उन्होंने उत्थे एक जोड़ सीगा जिहदे उत्ते उन्होंने रात कट्टी। हुण तुसीं जाके उत्थे देख सकदे हो, सोने दे कलस चढ़े हुए है, संगमरमर दी धरती बनाई हुई है, लोग उत्थे बड़ा इकट्ठ करदे है, लेकिन आए दी कदर नहीं, पिछों मठ बना के मत्थे टेकदे हैं। काम क्रोध की सनी बोध से परखा चाहे उनका ज्ञान। सो प्यारे संतां दा ज्ञान, जो संतां दे अंदर ताकत महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे करदी है कम, असीं उहनूं परख नहीं सकदे। महाराज सावन कहिंदे हुंदे सी, मैं उहनूं ताकत भी नहीं कह सकदा गा, वो जो है सो है। काम क्रोध की सनी बोध से परखा चाहे उनका ज्ञान। सेवा करे ना श्रद्धा लावे उलट करावे उनसे मान। ना दिल दे विच सेवा भाव है,
ना शरदा है, उल्टिया उना महात्मा तो मान करौंदे है। सेवा करे ना शरदा लावे, उलट करावे उनसे मान। अपनी गत हालत न बूझे, कैसे लगे ठिकान। स्वामी जी महाराज कहते हैं, शीशे का कसूर नहीं, शीशे दे अगे जद खड़े हैं, जितने साडे चेहरे ते दाग है, जैसा साडा रंग है, काला है, गोरा है, सब दिस जांदा है, तो शीशे का की कसूर है बई। वो जैसा असी हैं वैसे दिस जाने हैं। चाहिदा तो यह है कि संतां दे पास जाके सत्संग दे विच जो महात्मा बोलते हैं कि सानू काम की मर्जता नहीं, क्रोध की मर्जता नहीं, कोई होर मर्जता नहीं, जिहड़ियां कि सानू अंदर जाण दे विच रुकावट पाउंदियां हन। जितने भी साढ़े अंदर अवगुण है उन्होंने छड़ देने च ही फायदा है। महाराज सच्चे पातशाह कृपाल ने इसे करके सानू डेरी रखने की हदायत की भी तुसी एक एक अवगुण करके तुसी छड़ो और तुसी अपने जीवन नू पवित्र बनाओ। डेरी रोज नामचा है, आपदियां कमियां देखण दा बड़ा ही अच्छा साधन है। महाराज सावन सिंह कहिंदे सी, जिहड़ा गुनाह करके फिर मन्ने ना उल्टिया अपने आप नू भला मानस जाहर करे, उन्हूं बख्शन वाला किस तरह बख्शेगा। संतां दियां बाणियां पढ़न तो सानू पता लगदा है उन्हां अंदर किन्नी निम्रता हुंदी सी, किस तरह वो अपने गुरु दे अगे गुनाहगार होके खड़ जांदे है। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छोड़ बिखे बिख खाही, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा से प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनो गुरु संगत तै मिलत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पट कीर्त की गुरु रामदास राखो शरनाई। महाराज कृपाल ने सन दस्या सी कि जदों महाराज सावन सिंह बीमार सन उदों महाराज कृपाल ने ही कहा कि भी तू स्वामी जी का शब्द पढ़, गुरु मैं गुनाहगार हाँ गुरु मैं गुनाहगार अत पारी। उहदे विच सिख आपदी नलैकी दे ही गुण गाउंदा है। सोच के देख लो कुल मालक सावन जिहड़ा कि उदों भी जीवां नूं तारदा सी, अज भी साडे कोल सैकड़े नहीं हजारों सबूत है कि किस तरह उह संभाल कर रहा है। सो प्यारे आपदे गुरु के चरणों में गुरु अगे एक गुनाहगार होकर खड़ गया। बाहर असी कितनी भी शरदा बना लिए फिर भी टुटण का डर है। जब असी अंदर जाने खंडा ब्रह्मंडा ते जाने हैं, परम गति नूं प्राप्त करते हैं, फिर सच्चाई का पता लगता है कि सानू इत्थे पहुँचाउण वाला, सानू मदद करन वाला ये गुरु ही सीगा। असी केड़ियां केड़ियां मैलां विच लिबड़े हुए सी, किवें इहने सानू साफ करके इत्थे लिआंदा है। उत्थे जाके ही जीव सच्चे दिलों गुनाहगार बनता है कि गुरु मैं तो गुनाहगार सी, पता नहीं तेरे नू किस तरह मेरे ते दया आई, तू किस तरह ले आया है। अपनी गत हालत ने बूझे, कैसे लगे ठिकान। लोभ मोह की सूखी नदियां, तामे निस दिन रहे परमान। हुण कादे विच इह केड़ियां नदियां दे विच फिरदा है, लोभ और मोह। लोभ इंसान नूं मास दे लोथड़े तो लोथड़े जैसा बना दिंदा है। गुरु नानक कहिंदे आ, लोभी दा वसा ना कीजे, जे का पार वसाओ अंत काल तिथे तोहे, जिथे हथ ना पार। राजां दे पास सदा ही पढ़े लिखे लोग, राजकाज चलाउण दे विच मदद करन वाले सदा ही रहिंदे है। पिछले जमाने च उहनां नूं पंडित कहिंदे सीगे, पढ़े लिखिआं लोकां नूं। तो एक राजा सीगा, उहदा वजीर बड़ा पढ़िया लिखिआ पंडित सीगा। उन्हें सवाल किया कि ऐसी केड़ी नदी है, ऐसा केड़ा लोभ है जिदे विच इंसान
वड़ के निकल नहीं सकता गा। और सबनों कहा भी आपको अपनी मत दे बताओ जवाब दो। सब ने जवाब दिता लेकिन राजे नूं तसल्ली ना होई। जिहड़ा बड़ा वजीर सीगा उसनों कहा भी जे थोड़े जिहे दिनां विच इसदा जवाब ना देवेगा मैं तैनू बख्शूंगा नहीं। एक दिन वह बाहर चलिया गया। अगे एक भेडा चारन वाला अजाली सीगा। वो कहिंदा भी बंदे रब दे तू क्यों उदास है। वो कहिंदा मैं की दसा मैं एक बादशाह दा वजीर हाँ मैं काफ़ी पढ़िया लिखा पंडित हाँ। एक सवाल है कि ऐसी केड़ी नदी है जिदे विच इंसान पै के निकल नहीं सकता गा। उनू किसे पूरे महात्मा तो उजाली नू रस्ता मिलिया होया सीगा अंदर जांदा सीगा। वो कहिंदा प्यारिया वो लोभ दी नदी है जिदे विच वड़िया इंसान निकल नहीं सकता गा। तो ये बड़ी भैड़ी दलदल है जिदे विच इंसान वड़ के निकल नहीं सकता गा। तो वो कहन लग्या मैनू इहदा सारा सरंस है जिहड़ा ये दस। वो कहन लग्या तू मेरा सेवक बन जा मैं तैनू फेर दसूंगा। हुण वो पढ़िया लिखिया पंडित सीगा। वो कहन लग्या भी तू मैं तेरा किवें सेवक बन जावां मैं तो इतना पढ़िया लिखिया हाँ। वो आदा भी मैं तैनू गुण नहीं दसदा गा। उधरों मौत दिसदी सीगी सोचिया भी चलो बन जाओ शिकिरद। और फिर वो कहिंदा भी मैं तेरा शिकिरद बन गया। वो कहिंदा नहीं बई वो वक्त उदों ही सीगा हुण जे तू मेरिया भेड़ा का दुध पीवें तां तैनू ये दसूंगा। वो कहिंदा मैं पंडित हैं मैं कदे भेड़ा दुध पी सकदा हैं। वो कहिंदा मैं तैनू गुण नहीं दसदा गा। फिर सोचा भी चलो प्राश्चित कर लांगे। वो कहिंदा भई अच्छा भी मैनू प्या दे। वो कहिंदा नहीं बई ये नहीं हो सकदा गा वो वक्त उदों ही सीगा हुण जे तू बंदे दी खोपड़ी होवे कुत्ते दा जूठा दुध होवे ओ पीवे तां तैनू मैं दसूंगा। उन्हें सोचा भी चलो प्राश्चित तो करना ही है सारा इकट्ठा ही कर लांगे। तो वो सब कुछ पीण नू तैयार हो गया। वो कहिंदा पंडित जी वो लोभ है जे तैनू लोभ सी तादी तू इन्ना कुछ मंजूर किया है वो लोभ दी नदी है। तो असी इस दे विच गुलतान होए बैठे हैं। वो तो एक पढ़िया लिखा पंडित सी उस दलदल का पता ना ला सकिया जिदे विच फसे आदमी निकल नहीं सकता गा। एक भेड़ा चारन वाले संतां दे सत्संगी ने उसनू समझा दिता। तो कबीर साहब कहिंदे गुरद खलाई मोरी जिथे मिर्ग पड़त है चोरी मूंदलीए दरवाजे वाजी अले अनहद वाजे। गुरु सानू ओ रस्ता ओ साधन ओ तरीका दसदा है जिदे जिदी असी साधना करके और असी ए काम क्रोध लोह मोह हंकार तो बहुत उच्चे उठ सकते हैं। क्योंकि काम क्रो लो मोह हंकार की जो स्थूल गंढ है अखां के पिछे है सूक्ष्म त्रिकुटी के विच है। जो असी अपनी आत्मा तो स्थूल सूक्ष्म कारण तिने पड़दे ला के पार ब्रह्म दे विच पहुंच जाने हैं उत्थे सानू ये दलदल जो वार वार दुनिया के विच सानू पसाउंदी है निकल नहीं दिंदी गी काम क्रो लो मोह हंकार की इहदे विच असी निकल जाने हैं। लोभ मोह की सूखी नदियां ता में निस दिन रहे परमान संत मता कहू कैसे बूझे अपनी मत के दे परमान। संत सानू सदा ही कहिंदे है
कि ये करनी दा मत है, ये बुद्धि विचार दा मत नहीं गा, जवानी जमा खर्च नहीं। संत मता को कैसे बूझे, अपनी मत के दे परमान, तिन से संत मोन होए बैठे, सो जीव करते अपनी हान। संत महात्मा बैंस मासे के विच दिलचस्पी नहीं रख देंगे, जो ऐसे जीव आउंदे उन्हां दे पास जिहड़े कि दवाकी पहलवान हुंदे है। महाराज कृपाल कहिंदे हुंदे सीगे कि ये दिमागी कुश्ती करन वाले उत्थे संत मौन हो जांदे है, चुप हो जांदे है, वो जीव आपदा ही नुकसान करदे है। तिन से संत मौन होए बैठे, सो जीव करते अपनी हान, कुमात अधीन हुए सब प्राणी, क्या क्या उनका करूं बखान। स्वामी जी महाराज कहते हैं मैं की बख्यान दसा, विरले जीव है पागां वाले जो संतां दी शरण दे विच आके नाम दी कमाई करदे है, जो संत रस्ता बतांदे उधर तुरदे है। महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे संतां दी शरण विच जाके 40 दिन दे बच्चे वर्गा बनना पैंदा है, क्योंकि जिस तरह बच्चा अनजाण हुंदा है माता पिता दे कहण ते भरोसा रखदा है, इसे तरह असीं वी रूहानियत दे विच अनजाण हाँ, सानू समझ नहीं, जानकारी नहीं, तो पहला पहला सानू संतां दे कहण ते भरोसा करना पैंदा है। जदों कमाई करके अंदर जाने हैं, नाम दा मोती प्राप्त कर लैने हैं, प्यारे फिर कहण दी जरूरत ही नहीं पैंदी गी। जद महाराज सावन सिंह जी ऐसा बख्यान कर रहे सीगे, एक आदमी विचों ही बोलिया कि जी बुल्ले ने कहा सी इलम बस करी ओ यार, इको अल्फ तेरे दरकार। तो महाराज सावन सिंह कहन लगे मैं तो यह कहना रूहानियत दे अंदर कामयाब होने वास्ते अल्फ की भी लोड़ नहीं, सिर्फ कमाई की लोड़ है। उन्होंने सत्संग च बड़ा नचारा हुंदा सी, कई प्रेमी बैठे ही कोले कोई ना कोई सवाल पूछ लेंदे सीगे, जे ज्यादा बोलते तो फिर हस के ये भी कह देंदे सीगे भी मैनू मछराओ ना, हुण मछराओ मतलब है छेड़छाड़ ना करो। कुमात अधीन हुए सब प्राणी, क्या क्या उनका करूं बखान, जिन पर मेहर पड़े आशरना, वे पावे सत गुर पहचान। जिन्हां ते मेहर हुंदी है आदि करता दी परमात्मा दी, ओ संतां दी शरण सच्चे दिलों पड़दे पैंदे है, ओही उन्हां नूं पछाण लैंदे है। ਉਹ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਮੇਲੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਤਾਸੇ ਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਖੰਡ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੰਡ ਦਾ ਪਤਾਸਾ, ਪਤਾਸੇ ਦੀ ਖੰਡ ਹੈ। ਜਿਨ ਪਰ ਮਿਹਰ ਪੜੀ ਆ ਸ਼ਰਨਾ, वे पावे सत गुर पहचान, अपनी उकत चतुरता छोड़े, अपने को जाने अनजान। ऐसा जीव अपनी चतराइयां छड़ दिंदा है, आपदियां उक्तियां जुगतियां पेश करनियां छड़ दिंदा है, जो सतगुरु दसदा है उस ते यकीन करदा है, अपने नू आप नू अनजान समझदा है। ये सच्चाई है कि मेरे उच्चे पाक सी जब दयालु कृपाल पहली दफा मैनू मिलिया, मेरे आश्रम च गया,
तो मैं उन्होंने यही कहा कि मैनू नहीं पता मैं तेनू की कहना है, मेरा दिल दिमाग खाली है। अपनी उकत चतुरता छोड़ी अपने को जानी अनजान, तब सतगुर प्रसन्न होए कर देवी पता निशान। प्यारियों फिर संतान भी देना पैंदा है, वो खुश हो जाते हैं कि बेचारा मेरे सहारे है, फिर वो पता निशान देंदे है। बंदे दी बंदा मजदूरी नहीं रखदा गा कि वो भगवान कि वो गुरु बेइंसाफ है साड़ी मजदूरी नहीं देवेगा। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे जिहदे बूहे ते बलद खड़ा है उहनू फिकर है कद छावे करना है कद धुप्पे करना है कद इहनू पाणी पिलाउणा है। तो प्यारे जिहदी याद विच असीं बैठदे हैं वह बेइंसाफ नहीं, वो बाहर नहीं, वो साढ़े अंदर है। राम चरोखे बैठ के सबका चारा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। तब सत गुर प्रसन्न होए कर देवे पता निशान, कुमात हटाए चुड़ावी पीछा सुरत लगावी शब्द त्यान, बिना शब्द उधार न होगा सब संतन यह किया बखान। शब्द तो बगैर मुक्ति नहीं, नाम तो बगैर मुक्ति नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा है कल युग में कर्म धर्म ना कोई, नाम बिना उधार ना हो। कल युग में एक नाम निशानी मुक्त ना होगी नेचे जानी। बिना शब्द उधार न होगा सब संतन यह किया बखान, सोई गावे राधा स्वामी जो कोई माने सोई सुजान। स्वामी जी महाराज ने बड़े प्यार ना सानू समझा दिता नाम तो बगैर मुक्ति नहीं, भावें असी कितने भी मन बुद्धि ना जप तप पूजा पाठ कर लईए ये किसी भी लेखे विच नहीं। संतां बगैर नाम नहीं मिलता, सत्संग तो बगैर सानू सोझी नहीं आउंदी गी, सानू साडियां कमियां दा पता नहीं लगता। सो सानू चाहिदा है शब्द नाम दी कमाई करके अपने जीवन नू पवित्र बनाईए। Nuestros corazones sedientos están de amor, hacia ti, Sanji, Sanji. Sanji, 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 jubilosos te esperamos, de ti, bendiciones imploramos. Nuestros corazones sedientos están de amor, hacia ti, Sanji, Sanji.